Shubhi is with us. I'm a PG first year commerce student. And second year. जैसे कि आप जानते हैं कि ओडिशा हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है और हमारे ओडिशा में ज़्यादा मैन पावर ज़्यादा है. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी आजकल के दुनिया में, मतलब आजकल के डे में एलपीजी का चाहिदा, मतलब उसका जो रेट है, प्राइस है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. उसकी वजह से कोई, मतलब जो एवरेज से भी नीचे लोग हैं, वो एलपीजी का यूज़ नहीं कर सकते. मतलब आज पर एलपीजी आज 1200-1300 ऐसे प्राइस आ रहा है. तो ये कोई, मतलब इजी नहीं है कि कॉमन लोग आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं कुकिंग पर्पज़ के लिए. तो मैं एक आइडिया के साथ आई हूँ कि हम कैसे नेचुरली ये जो एलपीजी या मीथेन गैस है, उसको हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो थ्रू आवर नेचुरल रिसोर्सेज, एज ओडिशा इज़ अ एग्रीकल्चरल लैंड एंड यूजिंग आवर मैन पावर ऑल्सो. तो जैसे हम वेस्टेजेस लाइक मीथेन कैसे होता है, मीथेन होता है नेचुरल गैस, नेचुरल वे से, लाइक एनारोबिक बैक्टीरिया जो है, जो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने से वो रिएक्ट नहीं करता है, एयर टाइट एरिया में रिएक्ट करता है. तो जैसे कि हम एग्रीकल्चरल वेस्टेजेस हैं और फूड किचन वेस्ट हैं और जितने भी काउडंग, ये सब उसको यूज़ करके हम नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं एक कंटेनर में रख के. उसको प्रोड्यूस करने में टू टू थ्री वीक्स लगता है फुल मीथेन कन्वर्ट होने में. तो उसके बाद उसको हम सेटअप कैसे करेंगे, तो पहले हम मैं सोच रही हूँ कि उसको हम पहले